Hi, welcome folks. This is Nivant from Nivant Was Here. I'm in Pune meeting one of the budding artists of India. Her name is Poonam Rana. What you see behind me here is an abstract painting done by her, and she has been recognized very well by Government of Maharashtra for what she has depicted in the art. She will definitely let you know what she thinks about her painting, what she does, how she creates her painting, her artwork, her mission. We will directly hear from the horse's mouth. Thank you. From Nivant Was Here again. I am with Poonam Rana. I had been talking to her since a while about her painting. But one of the painting that I think that she should explain it to the viewers is this one. She got a recognition for this painting by Maharashtra government. I want her to explain us that what is it about and what she thought. प्लीज़ हेलो दोस्तों, मैं फिर से पूनम आपका स्वागत करती हूँ. आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ मेरे पेंटिंग के बारे में. ये पेंटिंग जिसका टाइटल है मोहनजोदाड़ो, आपको मोहनजोदाड़ो तो पता ही होगा, 4600 साल पुराना जो हड़प्पा संस्कृति सिंधु संस्कृति में पाया गया मोहनजोदाड़ो, जिसमें डिफरेंट टाइप के गहने, बर्तन, बीट. पहले मोहनजोदाड़ो में भी आज के लोग जैसे रह रहे हैं उसी तरीके से सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति में तो वहाँ पे लोग ऐसे ही रहते थे. वहाँ पे भी अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ था, बिटों की घरे थे और काफ़ी कुछ अच्छा मार्केट बना हुआ था. जैसे ऐसे लगता था कि उन्होंने पूरा प्री प्लान करके उनका इंटीरियर किया हो, प्लान करके ये पूरा मोहनजोदाड़ो उन्होंने बनाया हो. तो मैं इसमें दिखाना चाहती हूँ कि पहले ज़माने में कुछ बर्तन, गहने, उनके स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, शिल्प जो भी थे किस टाइप में थे. ये मैंने रियलिस्टिक में तो नहीं पर एब्स्ट्रैक्ट में बताया हुआ है. आप देख सकते हो ये एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कुछ स्कल्पचर दिख रहे हैं, कुछ बर्तन दिख रहे हैं और जैसे मोहनजोदाड़ो एक वहाँ पे पूरा मूवी से तो इंस्पायर हुए थे ना. जी हाँ, ये तो बोलिए. जी हाँ, मैंने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी थी, उससे मुझे काफ़ी मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ और मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ पेंटिंग में दिखाना चाहिए. पर मैं रियलिस्टिक तो नहीं दिखाना चाहती थी पर मैं एब्स्ट्रैक्ट में इसे बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट में दिखाया है. वेरी गुड. तो आपको क्या लगता है इस पेंटिंग के बारे में ये देख के? मुझको यही है कि यू हैव ड्रॉन सम फिगरेटिव्स, जो देयर आर सम एनिमल्स, देयर आर सम फेसेस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड देयर आर्ट और व्हाट डू दे वेयर in the daily basis. That is what I think. This looks more like a warrior, armor worn by a soldier. Baki, this looks like a knife. आपको कुछ cultural animals. हाँ, तो ये सब मुझको दिखाई दे रहा है. But then getting to know Mohenjodaro, that is more than 4,600 years ago. Yes. Imagining it is itself a big job, a tough job, and you have done it very well. Thank you. तो मोहनजोदाड़ो आपको इसके अलावा भी इसमें आप कुछ सोच सकते हो? ये तो मैंने टाइटल दिया है मोहनजोदाड़ो, चलो ये आपके सामने मोहनजोदाड़ो मैंने प्रेजेंट किया. आई एम आल्सो फीलिंग देयर इज अनदर फीलिंग दैट दिस इज अ गेम ऑफ चेस. ओके, चेस के पॉन्स है सारे और दे आर प्लेइंग विद ईच अदर. दैट इज व्हाट आई फील.
rest you can decide whether I was right or wrong. But actually, there is nothing right, no right, no wrong. Yes, wrong bhi nahi. Whatever you perceive is your own perception. I might perceive it differently, you might perceive it differently, my viewers can perceive it differently. But this is an amazing piece of art. And it definitely needs to be in a university or at an art gallery where they exhibit very old items. जैसे आपने कुछ ये आपको मिले हैं ये एग्जीबिशन सॉरी अपना काफ़ी इनके जो पुराने बर्तन आप नेट पे देख सकते हो उनके जो हथियार थे आप उस ज़माने के अभी भी आप नेट पे या गूगल पे कहीं पे भी देख सकते हो पर इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट में कैसे दिखेगा तो ये मैंने यही सोच के उसे एब्स्ट्रैक्ट में किया हुआ है. वेरी गुड. Thank you for the explanation. Thank you.